नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम वॉशिंग मशीन के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं वॉश मोटर का ये स्विच है, उसके बाद में ड्रेन स्विच है और यहाँ पर स्पिन स्विच है। तो बाकी दोनों स्विच काम कर रहा है लेकिन स्पिन स्विच को ऑन करने के बाद में, घुमाने के बाद में स्पिन मोटर बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो चलिए यहाँ हम बोर्ड से इसमें सप्लाई दे दिए हैं और चलिए इस स्विच को हम घुमा लेते हैं। तो इस स्विच को घुमाने के बाद में आपका क्या है कि ये जो मोटर है चलना चाहिए। तो यहाँ पर ढक्कन देख रहे हैं, ढक्कन बंद है, फिर भी जो मोटर है मोटर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर चलिए नीचे में मोटर है दिखा देते हैं। तो यहाँ स्पिन स्विच के ठीक नीचे में स्पिन मोटर आता है। तो उसको चेक करने के लिए हमको करना क्या होगा कि पहले इस वायर को ऊपर की तरफ हम खींच कर देखेंगे। खींचने के बाद में यदि चल जाता है तो ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ इस वायर को जो है ब्रेक वायर है, तो इसको खींचने के बाद में मोटर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर की तरफ खींचने के बाद वो मोटर बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब है कि मोटर जो है बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, स्विच में है। स्विच में भी प्रॉब्लम नहीं है, स्विच इसको उठाने के बाद में स्विच काम करता है। तो यहाँ क्या है कि ये जो है एक तरह का ब्रेक वायर है और उसके बाद में इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्विच भी रहता है। तो इस ढक्कन को इस तरह से उठाने के बाद में मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और बंद करने के बाद में मोटर जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ स्विच भी हम दिखाएंगे। फिलहाल इसको हम क्या करेंगे ठीक करने के लिए, इस जो ब्रेक वायर है इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा करना होगा। तो यहाँ इस तरह से जब उठाते हैं तो उसके साथ साथ स्विच भी रहता है, यहाँ स्विच भी रहता है। देख रहे हैं मोटर जो है बंद है अभी, तो उसके साथ साथ स्विच भी ऑफ हो जाता है और यहाँ जो है मोटर पर ब्रेक भी लग जाता है। इसका काम इतना ही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं जो ब्रेक वायर है, तो इस ब्रेक वायर को हम क्या करेंगे हल्का सा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ खींचने के बाद में मोटर चल रहा है, तो ध्यान देना है कि कितना ये ऊपर की तरफ मांग रहा है। तो चलिए प्लग निकाल लेते हैं, उसके बाद में इस वायर को हम क्या करेंगे हल्का सा छोटा करके देख लेंगे। तो चलिए इस वायर को हम हल्का सा छोटा कर लेते हैं। तो वायर को छोटा करने के लिए हमको करना क्या होगा कि जो ये ढक्कन है, ढक्कन को उठा कर रखेंगे तो ये हल्का ढीला हो जाता है। तो ढीला होने के बाद में इसको हम छोटा कर लेते हैं, इस तरह से देख रहे हैं छोटा हो गया। अब इस ढक्कन को हम बंद करेंगे तो मोटर जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए और ढक्कन उठाने के बाद में मोटर ऑफ हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं स्प्रिंग वगैरह देख लेना है, तो यहाँ पर स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग भी ढीली होगा तो ये काम नहीं करेगा। द स्प्रिंग टाइट होना चाहिए, यदि स्प्रिंग टाइट है और ये जो है ब्रेक सो अच्छा से नहीं सट रहा है, तो उसके लिए हम मशीन का तेल डालकर यहाँ पर देख रहे हैं एक लॉक है। तो यहाँ पर मशीन का तेल डालकर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पेचकस ले ऊपर नीचे करके और जो ब्रेक है आगे पीछे करके हम उसको ढीला कर लेंगे। तो ढीला होने के बाद में यह काम अच्छा से करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं अभी ढीला है, बिल्कुल सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम सप्लाई देकर और चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पिन मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए स्विच को हम घुमा लिए और इस ढक्कन को हम बंद कर लेंगे। देख रहे हैं ढक्कन बंद करने के बाद में मोटर जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये जो है छोटा छोटा प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। और इसके बारे में पूरा डायग्राम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ढक्कन उठाने के बाद में अब मोटर जो है बंद हो गया, और ढक्कन को बंद करेंगे रखेंगे तो ये जो है मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। यहाँ इस जो वायर गया है, एक स्पिन मोटर के लिए है, एक वाश मोटर के लिए है। तो यहाँ इस तरह का काम करता है, यहाँ पर एक स्विच भी रहता है ऑटोमेटिक, जब ढक्कन उठाते हैं तो ऑटोमेटिक स्विच हो ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। और बाकी यहाँ दो स्विच लगा हुआ है, एक ड्रेन स्विच है और एक वाश मोटर के लिए टाइमर स्विच है। तो यहाँ टाइमर स्विच को घुमाने के बाद में देख रहे हैं वाश मोटर बिल्कुल सही चल रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।